तो दोस्तों जूम लेक्चर में या फिर मीटिंग में जब हम होस्ट होते हैं और हमारी स्क्रीन हो या फिर व्हाइट बोर्ड जो है, जब हम पार्टिसिपेट को यहाँ पे शेयर करते हैं तो पार्टिसिपेट क्या करता है, उस पर एनोशन जो है यानी वहां पर कुछ लिखने का काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला हूँ कि वो सेटिंग अगर आप अपनी मीटिंग में करोगे तो जो पार्टिसिपेट है वो कभी भी वहां पे लिखने का जो काम है या फिर लिखने के बाद जो डिस्टर्ब हमें होता है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको दो फोन दिख रहे होंगे, और लेफ्ट वाला जो फोन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट का फोन है और राइट वाला जो फोन है वो यहाँ पे मैंने होस्ट का फोन इस प्रकार से लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड करते हैं तब यहाँ पे देखिए कोई भी सेटिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। मीटिंग सेटिंग में यहाँ पे नैरेशन की कोई भी सेटिंग नहीं दिख रही है। ओके, तो जब हम यहाँ पे शेयर करने जाते हैं, मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड रुक जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे शेयर व्हाइट बोर्ड इस प्रकार से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख देते हैं ओके, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट के फ़ोन पे आ जाता है। लेकिन अब पार्टिसिपेट यहाँ पे कुछ भी लिखता है ठीक है इस प्रकार से, तो वो क्या है सभी को दिख जाता है, यानी जितने भी पार्टिसिपेट है। ठीक है, तो अगर आप टीचर होंगे तो आपको ये परेशानी आपको हुई होंगी, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रीन पर आप यहाँ पे प्रेजेंट करने जाते हो तो वो यहाँ पे लिखते रहते हैं। ओके, तो इनको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको करना ये है, ये अगर बच्चे यहाँ पे नहीं लिख सके या फिर पार्टिसिपेट यहाँ पे लिखना नहीं चाहते, अगर आपको ऐसी सेटिंग करना है तो आपको क्या करना है ठीक है, यहाँ से फिर से आपको जूम में ही आना है। ओके, और जूम में आपको यहाँ पे थ्री डॉट में मोर दिखेगा। ओके, उसके बाद मीटिंग सेटिंग में आपको चले जाना है। मीटिंग सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा कंटेंट शेयर का। ओके, तो यहाँ पे एनोटेट इस प्रकार से है ठीक है, इसको आपको क्या करना है बंद कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे बंद कर देते हो ना, तो यहाँ पे लेफ्ट वाले फ़ोन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक सेटिंग जो है वो यहाँ पे बंद हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप शेयर पर मैं फिर से, और यहाँ पे अगर हम से वाइट बोर्ड पर सिर्फ यहाँ पे होस्ट जो है वही लिख सकता है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है लिखने का ऑप्शन वो पार्टिसिपेंट को आप देख सकते हो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, वो अगर यहाँ पे मोर में जाएंगे वहाँ पे भी, अगर वहाँ पे कोई भी सेटिंग उनको यहाँ पे नहीं मिलेंगे कि वो वहाँ पर लिख सके ठीक है। यहाँ पे मीटिंग सेटिंग में अगर वो जाते हैं तो इस प्रकार से ही खुलेगा, कुछ ज़्यादा ऑप्शन उनको यहाँ पे नहीं खुलने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जो नैरेशन होता है ठीक है, वो जो सामने वाले पार्टिसिपेट जो यहाँ पे हाथ से लिखने से हमें डिस्टर्बेंस होता है वो यहाँ पे आप बंद कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लैपटॉप पर लेकर जाऊँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा कि जैसे अगर आप लैपटॉप से कोई मीटिंग ले रहे हो तो वहाँ पर जो सामने। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे लैपटॉप की जो स्क्रीन है इसमें हम आ चुके हैं, और लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको यहाँ पे फ़ोन भी दिख रहा होगा ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे शेयर स्क्रीन करते हैं ओके, तो स्क्रीन यहाँ पे हम शेयर करेंगे, आप मोबाइल में भी देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग जो है इस प्रकार से आ चुकी है। ओके, और यहाँ पे पार्टिसिपेट जो है अपने फ़ोन से यहाँ पे कुछ लिख सकता है ठीक है, इस प्रकार से वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इसको आपको बंद कर देना है ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो एक बार उन्होंने अगर कर दिया तो यहाँ पे जाइए एनोशन पे और यहाँ पे क्लियर ऑल ड्राइंग पे क्लिक कीजिए। ओके, अब इसके बाद भी वो बंदा फिर से लिख सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, तो मोर ऑप्शन में जाना है और मोर ऑप्शन में यहाँ पे डिसेबल एनोशन फॉर अदर्स, ये अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये जो सामने वाला जो पार्टिसिपेट है ठीक है, इसके मोबाइल से क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो चले जाने वाला है ठीक है। तो यहाँ पे हम मीटिंग जो है बैक टू मीटिंग पे चले जाते हैं। ओके, तो डिसेबल अगर यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नैरेशन का आ रहा था वो इस प्रकार से दोस्तों बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट से कोई भी सेटिंग जूम ने नहीं दी है कि यहाँ पे एनोशन जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो सके, तो आपने जब मीटिंग आपने तैयार की है उसी वक्त दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको मीटिंग जो है मोबाइल में जाकर वहाँ पे जो मोर ऑप्शन होता है वहाँ पे जाकर आपको नैरेशन जो है वो यहाँ पे आपको बंद करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी
ऑप्शन जो है ये बाय डिफॉल्ट से ऑप्शन होना चाहिए जैसे हमारी सेटिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेटिंग अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो जूम यहाँ पे डेफिनेटली इस प्रकार से ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दे सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। जब आएगा तब हम यहाँ पे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तब मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ये जो है प्रॉब्लम आप परमानेंटली यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से टेक्निकल के वीडियो देखने के लिए आज ही ये जो चैनल आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं रोज एक टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आप कुछ नया सीख सकते हो। तो इस प्रकार का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए, और इस वीडियो की मदद से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ ऐसा लग रहा है तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।